चेकआउट हो चुका है और मैं भी निकल चुका हूँ। मैंने कहा कि चलो यार आज लास्ट बार होटल की चाय पी जाए। एंड फिलहाल मैं निकल रहा हूँ अभी सीधे मॉल रोड के लिए, क्योंकि मॉल रोड पे ही थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग की जाएगी और कुछ देखा जाएगा। देन उसके बाद मैं जाऊँगा हिडिंबा टेम्पल, एंड आफ्टर लास्ट हमने रखा हुआ है क्लब हाउस। देन क्लब हाउस के बाद सीधे मैं यहाँ से, मैंने अभी अपना बैग यहाँ होटल में रखवा दिया है, तो जब यहाँ से मैं निकलूँगा, जब मेरे बस की टाइमिंग जो होगी उससे आधे घंटे पहले आकर यहाँ से बैग लेके चला जाऊँगा। एंड देखता हूँ कोई आसपास में अच्छी जगह है ब्रेकफास्ट के लिए, तो फिर चलते हैं यार। कल मैंने भी रेंट पी लिया था बाइक, एंड चलते हैं, करते हैं सीधे ब्रेकफास्ट एंड देन उसके बाद हम चलेंगे। करते हैं हम लोग तो भाई ब्रेकफास्ट तो हो चुका है और मैं निकल गया हूँ मॉल रोड के लिए पैदल ही, क्योंकि वहाँ से मैंने भैया से पूछा कि ऑटो या टैक्सी वगैरह मिलेगी, तो कह रहे हैं कि मिल तो जाएगी लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं, आप यहाँ से पैदल निकल जाओ, ज़्यादा दूर है भी नहीं। अभी फिलहाल मैंने कोई एक्सटर्नल माइक लगा नहीं रखा हुआ है, तो आपको थोड़ा बहुत बाहर की भी नॉइज़ आ रही होगी। मतलब एक तो पहाड़ी रोड है और ऊपर से कोट वगैरह सामान लेके चलना थोड़ा हैवी सा हो रहा है। चलो फिर डायरेक्ट मॉल रोड पर मिलता हूँ आपको। तो यार आप लोग भी एक बार यहाँ का जाम देखो, मतलब कि अगर एक साइड जाम होते तो कितनी लंबी जाम लग जाती है। तो पहुँच चुका हूँ मैं मॉल रोड पर और मैं लगा लिया है अपना एक्सटर्नल माइक, जिससे कि आप लोगों को आएगी मेरी क्लियर आवाज़, क्योंकि यहाँ पे है बहुत ही हैवी क्राउड और यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं शॉपिंग की। तो मैं कैमरा घुमाता हूँ, आप लोग भी एंजॉय करो। तो ये है अपना मॉल रोड और देख सकते हो कितनी ज़्यादा क्राउड है और ये सारे दुकानें हैं। चलो कुछ देखते हैं यार, कुछ अगर स्पेशल होगा खरीदने के लिए तो खरीदेंगे। एंजॉय करो आप लोग, मैं भी कर रहा हूँ, आप लोग भी करो। आप लोग भी सामने देख सकते हो कि एक तंबोला करके कुछ है गेम प्ले, तो इसमें आपको विनिंग में बाइक एंड कार मिल सकती है। तो अगर आप मनाली आते हो मॉल रोड पर, अगर आपको ऐसा मिलता है तो आप लोग एक बार पार्टिसिपेट कर सकते हो और इसको एंजॉय कर सकते हो। तो खैर और भी चीज़ देखते हैं और क्या है यहाँ पे। तो एंड अपना जो मॉल रोड है वो बस थोड़ा सा आगे जाके ख़त्म होने वाला है, एंड
मैं भी देखता हूँ कि अगर यहाँ कुछ पसंद आता है तो मैं लेता हूँ। तो मैं अभी शॉपिंग कर रहा था तो मेरे को इनमें से एक चीज़ पसंद आ गई है, मैंने यहाँ पैक करा दिया है। ये मैं आपको बाद में दिखाऊंगा कि मैंने अभी क्या लिया है। और यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे नाम्स दे रखे हुए हैं अगर आप लोगों को, जैसे कि आप अपना खुद का बनवा सकते हो। और यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कोई नेम बैनर वगैरह बनवाना हो तो वो भी बन जाएगा। और ये हमारे भैया हैं जो पेंटिंग कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हो। और आगे कुछ शो चल रहा है तो एक बार देखते हैं कैसा शो चल रहा है। आई थिंक अभी कुछ आगे शो चल रहा था तो मैं सामान खरीदने में बिजी था, मैं खरीदा था तो शो उतने में ख़त्म हो चुका था। एंड बाकी यार मज़ा आ रहा है यहाँ पे भी, क्राउड भी बहुत अच्छी है और हर चीज़ यहाँ पे आपको अवेलेबल मिल जाएगी। खैर मुझे तो अभी फ़िलहाल यही पसंद आया पेंटिंग में, क्योंकि मेरे पास बाकी जो यहाँ पे बिक रहे थे वो मेरे यहाँ पे भी बिकते हैं तो मुझे तो कुछ ज़्यादा यहाँ पे कुछ खास पसंद नहीं आया। लेकिन मैंने जब इसको देखा तो मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था, मैंने कहा चलो यार इसको लेके चलते हैं आज। मैंने कहा भाई मनाली आए हैं और खाली आ जाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, तो मैंने कहा कि चलो इसको लेके चलते हैं। और धूप इतनी तेज़ हो रखी है ना कि पूछो मत। तो फिलहाल निकलते हैं भाई हडिम्बा टेम्पल के लिए और वहाँ से फिर सीधे चलेंगे क्लब हाउस। एंड टाइम हो रहे हैं भाई एक, तो देखते हैं अगर क्लब हाउस के लिए टाइम बचता है तो क्लब हाउस भी चलेंगे, और नहीं तो फिर यहाँ से सीधे डायरेक्ट।